पूरे देश में दिवाली की धूम थी, तो बिग बॉस के घर में आतिशबाजी कैसे ना होती। यहाँ भी हुई और वो भी पूरी तरह से इको फ्रेंडली, क्योंकि पटाखे के नाम पर सुर भी सोमी और पूरे हैप्पी क्लब का अपना बदला लेने के लिए जोरों शोरों से मैदान में उतरे हुए थे। हैप्पी क्लब श्रीशांत और उनकी टीम बनकर घूम रहे कंटेस्टेंट को मजा चखाना चाहते थे। इसी चक्कर में खूब धमाके हुए। श्रीशांत की टीम को परेशान करने की स्ट्रेटेजी रोमिल एंड टीम के उठते ही बना ली थी, लेकिन सबसे ज्यादा धमाकेदार रहा दीपिका जैस्लीन और श्री सुरभि का पंगा। दीपक और जैस्लीन में हो रही बात जैस्लीन के उस प्रॉपर्टी में हिस्से वाले सवाल तक पहुंच गई। बता दें कि एक बार जैस्लीन ने रोमिल से पूछा था कि अगर 3 साल रिलेशनशिप हो तो प्रॉपर्टी का क्या सीन रहता है। जैस्लीन का यही सवाल एक बार फिर चर्चा में आ गया। जैस्लीन का गुस्सा भड़का, लेकिन रोमिल ने इस बात को सही दिशा में ले जाते हुए मामला शांत करवा दिया। वहीं श्रीशांत और सुरभि के पंगे की बात करें तो सुरभि अपनी आदत के मुताबिक उसी अंदाज में श्री को टारगेट कर रही थी। वहीं श्रीशांत की बदसलूकी के अलावा दीपक को नॉमिनेट करने पर भी सवाल खड़े कर रही थी। सुरभि घर के कप्तान श्री के चेहरे के करीब तालियां बजाने लगी। इससे श्रीशांत गुस्से में आ गए। बाद में इस बात का जिक्र करते हुए कहने लगे कि इससे उनके चेहरे पर चोट लग सकती थी। सुरभि के बाद श्रीशांत और करणवीर में बहस छिड़ी। एक दूसरे को बदतमीज कहने से शुरू हुई ये बहस तब और गर्म हो गई जब श्रीशांत ने करण से कहा कि तेरा पूरा खानदान बदतमीज। इस बात पर करण का पारा चढ़ गया। हाय एवरीवन, क्या आपने योयो टीवी ऐप डाउनलोड किया? नहीं तो जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए योयो टीवी ऐप। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगा न्यूज एंड एंटरटेनमेंट मसाला। जी हाँ, तो जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए योयो टीवी ऐप।